भगवान कहाँ हो आप? प्लीज आओ ना। भगवान आज आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा क्योंकि आज मेरा फर्स्ट दिन किचन में है और मुझे डर लग रहा है कि कोई गलती ना हो जाए। मैं तो हमेशा अपने भक्तों के पास ही रहता हूँ। बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? अगर आप हमेशा मेरे साथ रहते तो फिर मुझे घर से निकाला ही क्यों जाता? अगर आप हमेशा मेरे साथ रहते तो वो लोगों ने मुझे वासुदेवाय कुतुम पे खम पे ना। रुको रुको रुको, फिर से पूरी कहानी मत सुना। ये बताओ कि साथ क्यों चाहिए मेरा? मुझे डर लग रहा है आज वैसे ही किचन में कहीं गलती नहीं हो जा। तो ये बता देता हूँ कि गलती होगी या नहीं। एक काम करो, इनमें से तीन फल उठाओ। अब इन्हें अपने हाथ में एक के ऊपर एक रखो। अब दो पलों तक इन्हें संतुलित करके, मतलब बैलेंस करके खड़ी रहो। गिरने मत देना। अगर नहीं गिरे तो आज रसोई में गलती नहीं होगी। I'm so sorry, भगवान, अब क्या होगा? मैं आज रसोई में नहीं जाऊंगी। इन दोनों बातों में वैसे कोई संबंध नहीं था, ये तो मैं तुम्हें पाठ पढ़ा रहा था। वहां मंदिर में मुझे बुलाते समय तुम्हारे मन में कोई भय नहीं था, हट था, श्रद्धा थी मुझसे मिलने की। और वहां तुमने पैर अपनी इच्छा से रखा था धरती पर, उस बच्चे को बचाने के लिए ना। लेकिन जानती हो यहां ये फल क्यों गिरे? भय, भय ही गलतियां कराता है। बस भय से मुक्त हो जाओ। मगर कैसे, आप बताए ना मुझे। ये तो तुम्हारा बनाया हुआ ही पिंजरा है, इससे कैसे मुक्त होना है तुम ही पता करो। भय के बिना ही जीवन के हर पथ पे जीत सुनिश्चित है। लेकिन वो खींच कैसे? भगवान कहाँ गए आप? अचानक चले जाते हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन गुलाबदास। हाँ बाबा। कल मेरा फोन पानी में गिर गया था तो दूसरे नंबर से फोन कर रहा हूँ। हाँ 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 बाबा। और कल मैंने ना ठंडा गोला खा लिया था, इसलिए गला थोड़ा खराब हो गया। पर तुझे शक तो नहीं हो रहा कि मैं परिमल बाबा नहीं बोल रहा हूँ? ये कैसी बात कर रहे हैं आप बाबा? इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले आप ही हैं जिनको बिना देखे पता है कि अभी मैंने लाल कुर्ता पहना है। मुझे आप पे भरोसा नहीं है, ऐसा आप कभी मत बोलना, आपको मेरी कसम है। और गुलाब बाबा मत कहिए। क्या? बाबा गुलाब मत कहिए, आपकी आवाज देखिए ना कैसी हो गई है। बाबा बताइए ना, कृपा करिए ना कि इनका आशीर्वाद इन तक कैसे पहुँचे, हम क्या करें बताइए ना। बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है बेटा कि किस्मत गुलाबदास को इतना नचा रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किस्मत के सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। हचो हचो। इसलिए मैं चाहती हूँ। चाहती हूँ? चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम कुछ ऐसा करो कि किस्मत अपने किए पे शर्मिंदा हो जाए। इससे पहले कि किस्मत तुमको नचाए, तुम खुद नाचो। लेकिन बाबा मुझे तो सिर्फ डांडिया रास खेलना आता है, तो वो मैं अकेले कैसे खेलूंगा? तो क्या तुम्हारी बीवी कंचन के हाथ में मेहंदी लगी है? नहीं। तो उसको बोलो कि अपने पति की किस्मत का नल खोलने के लिए वो थोड़ा डिस्को डांडिया नहीं खेल सकती? खेल सकती हूँ बाबा, खेल सकती हूँ। अब हम मिलके डांडिया करेंगे। परिमल बाबा की जय। सुखी रहो, सुखी रहो। ए हेलो। बोलो। नहीं नहीं बाबा, आपको नहीं, ये गरबे वाला हेलो हेलो। ओ हा हा हा।
तेरा, ये क्या बुलबुलों से खेल रही है? देख ना मेरे कपड़ों को क्या कर दिया तूने। नहीं नहीं मोटी बहन, मैं बुलबुलों से खेल नहीं रही थी, मैं आपको आईना दिखा रही हूँ। आपके प्लान भी ना बिल्कुल इन बुलबुलों की तरह होते हैं, पहले बड़े होते हैं फिर धीरे 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 हवा में ऊपर उठते जाते हैं, और हम दोनों को लगता है कि अब हमारा प्लान पूरा होने वाला है, लेकिन तभी मोटी बहन वो किसी चीज से टकरा कर फूट जाते हैं। ये बता रही थी। कुछ नहीं पिंकी, मुझे ना तेरे पे बहुत प्यार आ रहा था, तो वही सोच रही थी कि कितनी प्यारी है तू। ओह मोटी बहन, मैं हूँ इतनी ज्यादा प्यारी, वर्ल्ड फेमस पिंकी। कुंजन भाभी, अरे एमिली, आज तो तू बहुत खुश होगी ना, रसोड़े में पहला दिन है। जी हैप्पी तो मैं हूँ भाभी, पर थोड़ा सा सार भी हूँ, क्योंकि मुझे गुजराती फूड बनाना नहीं आता, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? आजा बैठ जा, बैठ जा, मैं हूँ ने, मैं सिखाती हूँ तुझे गुजराती खानों के बारे में। पहले गुजराती खानों के नाम सीख ले। ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, थेपड़ा, आमरस, श्रीखंड, हाँ बोल, चल बोल। ढोकला, I'm sorry, मुझे याद नहीं। अरे कोई बात नहीं, गुजराती खानों के नाम नहीं आते तो क्या हुआ, बनाना तो मैं सिखा ही दूंगी, है ना? एक बहू ही तो दूसरे बहू के काम आएगी, उसका दर्द समझ सकती है ना एमिली में। थैंक यू सो मच कंचन भाभी। आप क्यों उसकी मदद करोगे? अरे पिंकुड़ी, ओ डबल ढोलकी। अरे बोइला, तू मस्त हीरो लागे जा एकदम, रणबीर कपूर। तू बात कर रहे थे? तो बच्ची, ए बोइला, मैंने तेरी तारीफ की ना, तो 2000 रुपया खाली कर। 2000? 2000 रुपए? वो किस बात के? किस बात के? ये बोइला, मैंने तेरे पे इतना खर्चा किया, मैंने कभी हिसाब मांगा क्या? कौन सा खर्चा? कौन सा खर्चा? भाई आराम से कर, हाथ है। अरे वो जो वीजा का फॉर्म भरा था उसमें पैसे तो मैंने दिए थे ना, वो लिबर्टी माता के सामने खड़े रहके ऐसे कैसे तू फोटो खींचा था ना, तो वो फोटोग्राफर को भी पैसा मैंने दिया था, मैंने, तूने नहीं दिया। तू करे हाथ चेक है बम्बू, आहत कर। आज तक मैंने हिसाब नहीं मांगा तेरे से, तो तू हिसाब मेरे से कैसे मांग रहा है? अरे जबरदिया दे दूंगा, जल्दी क्या है तुझे? रमणीक भाई कैसे दबाओ? अरे मिला, अरे गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, अरे वो मेरी बहन है ना चचेरी हेतल, वो ससुराल से लाना है उनको यहाँ पे, और रसम करनी है पग फेरे की। अरे जमनिया, क्या आइडिया दिया तूने मुझे। रमणीक भाई इस बात पे गर्दन तोड़ दो। नहीं 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 नहीं, ये भैला देखा हो गया ना हल्का? क्या हल्का भैला? अरे जमनिया, मुझे अमेरिका जाने का रास्ता दिखाकर तूने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया है, बस अब किसी भी तरह ना मम्मी को मनाना है। क्या आइडिया है तुझे? अबे गधेड़ा, ये जो पग फेर की रस्म है ना, ये हमारे यहाँ पे भी होती है। गुंजन भाभी को मैं खुद लेके गया था उनके मायके तक, और कंचन भाई वो यहाँ आई थी गोंडल में अपने पग फेर की रस्म के लिए, उसके बाद कभी गई नहीं वापस। भैया मतलब तू इमली बेन भाभी को अमेरिका लेके जाएगा पग फेरा के लिए? हाँ। और फिर तू वापिस आएगा ही नहीं? हाँ। मतलब तू अमेरिका का बन जाएगा गुलाब दास? अरे
मेरा मतलब है कि तेरे अमेरिका जाने का सपना पूरा हो जाएगा बोइला। सु आइडिया चो बोइला। अब मुझे अमेरिका जाने से कोई नहीं रोक सकता। पिंकी क्या कर रही है इधर? देख ये बेड है हाँ, और इसका ना ये जो कवर है ना ये ऐसे बंद होता है हाँ, तो बाद जब आएंगी ना तो तू ये कवर को ऐसे बंद कर देना और मैं अपनी उंगलियां ऐसे बीच में ऐसे डाल दूंगी और दिखाऊंगी कि मेरे हाथ में जोर से चोट लगी है, ऐसे करके चिल्लाऊंगी हाँ, पर मेरे हाथ में चोट लगी नहीं होगी क्योंकि मैंने ना यहाँ बीच में दो तकिए फंसा दिए। ये देख, ये देख। बॉडी मैन, एक मिनट। नवसारी वाले मामा जी की कसम मोटी बहन, क्या चालाक छिपकली हो आप? पर मोटी बहन, आपको आज ही का दिन मिला था ये एक्टिंग करने का? आज तो वहाँ का व्रत है ना? तो कम से कम आज के दिन तो घर का काम कर लेती। अरे यही तो प्लान है डूबी। हाँ। देख मेरे हाथों में तो चोट लगी होगी और वो कंचन फाई उनको मैंने गरबा करने में बिजी कर दिया है। अब बची कौन? एमिली। हाँ। तो अब तो एमिली को रसोड़े में जाने की इजाजत मिल गई है तो घर का सारा खाना एमिली को बनाना पड़ेगा। और व्रत के खाने में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो बा भड़क जाएगी और एमिली को घर से बाहर निकाल देगी। अरे ये क्या कर रही है पिंकी? क्या बच्चों जैसे फुग्गे फोड़ रही है? मोटी बहन देखो, ये है फुग्गा मतलब आपका प्लान और ये है सुई मतलब एमिली। देखा कैसे हवा निकल गई? मतलब आपका प्लान। अरे मोटी बहन ये क्या कर रहे हो आप? मैं समझ गई, आपको फिर से मुझ पे प्यार आ रहा था ना? हाँ मुझे तुझ पे बहुत प्यार आ रहा था। ये सब छोड़, तुझे प्लान ठीक से समझ में आ गया है ना? मैं सब कुछ समझ गई। ठीक है तो मैं ना बा को बुलाती हूँ। ऑल द बेस्ट। आज हमारा सपना सच होने वाला है पिंकी। आज हमें वो दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। अच्छा बा, बा! पिंकी दरवाजा खोल। अब तो आपको एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। ओ मॉली, कंचन बाबी, व्हाट हैपेंड? ओह नो, कम, लेट्स गो, इट्स ओके, डोंट वरी। अरे मैं तो अच्छे के लिए कर रही थी। कहीं मोटी बहन एक्टिंग तो नहीं कर रही ना? मैं ना तुझे आके बताती हूँ कि मैं एक्टिंग कर रही थी कि क्या कर रही थी। मणी, जब किस्मत ही फूटी हो तो कोई क्या कर सकता है एमिली बेन। मेरे हाथों को भी आज ही मुझे धोखा देना था। पिछले 11 साल से बा एक बार भी व्रत करने में नहीं चूकी। बेचारी पूरा दिन पूजा आराधना करती है और फिर सिर्फ एक टाइम का खाना खाती है। और मैं अपनी माँ जैसी सास के लिए आज दो रोटी भी नहीं बना पा रही हूँ। और कंचन भाई वो वहाँ पे बिजी है डांस करने में। एमिली
मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं व्रत में बाहर रसोड़े में जाके काम करेंगी तो कमजोरी के कारण उनको चक्कर ना आ जाए। इससे पहले कि वो सफेदी की चमकार रसोड़े में पैर रखे, ये दाल, ये सब्जी, ये चटनी मैंने बना ली है। प्रसाद के लिए लड्डू भी तैयार है। हाँ, अब रोटी बना लेती हूँ। बा, आपको ऐसे व्रत में काम करते हुए देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बा, आपको मेरी कसम, आप रोटियां नहीं बनाएंगी। गुंजन बहू, जिन हाथों में मैंने आज तक आटा लगा हुआ देखा है, आज पट्टियां देख रही हूँ, ऐसे में तू खाना कैसे बनाएगी? अब अगर रोटी मैं नहीं बनाऊंगी तो फिर और कौन बनाएगा? तू रोटी तो बना सकती है ना इमली। देख, अगर बाका व्रत तेरे हाथ की बनी गर्मा गर्म रोटियों से खुलेगा तो तुझे कितना पुण्य और आशीर्वाद मिलेगा, है ना? बा के दिल का दरवाजा तो तूने खोल दिया है। अगर तूने गर्मा गर्म रोटियां बना दी ना तो डायरेक्ट एंट्री। I would love to. लेकिन प्रॉब्लम है, मुझे रोटी बनाना नहीं आता। अरे उसमें क्या है, मैं हूँ ने। मैंने क्या बोला था, एक बहू ही दूसरी बहू का दर्द समझ सकती है। मैं तुझे सिखाऊंगी रोटी बनाना। आप बस मंदिर जाके दर्शन कीजिए, गाय को चारा खिलाइए, माता जी की स्थापना कीजिए। जब सारे काम हो जाएंगे ना और व्रत खोलने का वक्त होगा, तब तक गर्मा गर्म रोटियाँ तैयार होंगी। लेकिन गुंजन बहू, क्या वो रोटियां बनाएगी? मैं हूँ ना बा, मैं उसको सिखाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ मेरी देखरेख में होगा। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। देख गुंजन बहू, तेरे भरोसे पे हाँ कह रही हूँ, वरना ना तो मुझे उस पर भरोसा है ना उसकी बनाई रोटी पर। रोटी पर भरोसा नहीं है बा, पर बेटी पर तो भरोसा है ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। हो ठीक है, जैसे तू ठीक समझे। मेरे सारे मोहरे तैयार है, अब बस एक चाल चलूंगी और शे और मत। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।